नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में हूं और आप देख सकते हैं कि यह एक अनीता देवी का परिवार है। और अनीता देवी का परिवार जो है, बाढ़ के कारण गांव में बाढ़ आ गई है, घर में पानी घुस गया है। उसके बाद अनीता देवी का परिवार एक ऊँची जगह पर शरण लिए हुए हैं। खासकर अनीता देवी ही नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गांव के ऐसे परिवार हैं जो विस्थापित परिवार हैं, विस्थापित लोग हैं, ऊँची जगह पर शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि मात्र चंद मीटर का ये आशियाना है प्लास्टिक का, और इसमें अनीता देवी का परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। ये बच्चे हैं और अनीता देवी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और खासकर सरकारी दावे की जो पोल खोलती हुई यह तस्वीर है, सरकार लाख दावे कर ले, राशन कार्ड मुहैया का, खासकर बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए सरकार दावे कर रही है। और ज़मीनी हकीकत पर, जो ज़मीनी हकीकत है वो आप देख सकते हैं कि इस थाली में किस तरह से गरीबों के लिए राशन कार्ड का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार, इस थाली को ज़रूर देखिए आप। इसमें सिर्फ सूखी चावल है और ये अनीता देवी का परिवार है, ये बच्चे हैं। और ख़ासकर अनीता देवी की मानवता तो देखिए, इनके पास एक बकरी है, बकरी को खाने के लिए भी इन्होंने दिया है। और ये अनीता देवी की मानवता की मिसाल है कि इनके साथ एक बकरी भी है और बकरी के साथ साथ बच्चे भी हैं, और बच्चों को खाने के लिए सूखी चावल दिए हुए हैं। हमारे साथ जो है अनीता देवी के हस्बैंड हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। किस कारण बस यहाँ पर आए हुए हैं? पानी के बाढ़ पीड़ित में। बाढ़ पीड़ित में? हाँ। कितने दिनों से यहाँ पर? 10-12 दिन 15 दिन यही है। यही है। सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है? 500 रुपया मिला था, अभी खाते पर नहीं आया। नहीं आया है? तो जब खाते पर नहीं आया है तो मिला कैसे? कौन बोल दिया आपको कि मिल गया है? काम देना चाहिए, पहले नहीं देना चाहिए। तो ये अनीता देवी से ही बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों को सरकार की तरफ से मदद? कुछ नहीं मिल रहा जी, हमरा से निकल नहीं मिल रहा। कितना दिन से यहाँ पर? यहाँ 10 दिनों से। तब यहाँ नर झड़ देखा जो सब खे पीर ले बाल बच्चा ले। कैसा कटी रह जिंदगी? कटे जे की करबे, खोपरी तबरी उड़िया दे छे, फेकी दे छे, ओने झरी बिनती ती भिजी रहे छे, की करबे फरुसर या ले छे पनी। तोरा पता छ, सरकार न बोले छे कि हर घर राशन पहुंची गलो छे, बाढ़ पीड़ितो को मदद करी रलो छे। हमरा से कुछ नै देने छे? नै। अच्छा, यहां के जो आपके विधायक है, नजदीकी जनप्रतिनिधि है, क्या वो मिलने के लिए नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी नहीं आया। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा मतलब कोनो मदद मिल रहा यहाँ पर? लोकल नेता जे छे नहीं, कुछ नहीं मिलो छे। नहीं, कुछ देता नहीं, हमरा जी हुल का थाव नहीं छे कि मर ले कि बच ले पुनी बाल बच्चा। वोट ले घरी आवे छे? वोट ले घरी? वोट ले लावे छे। आबै छै आ वोटो मे गोरा लगै लै छै आरो मतलब जनता नै दे दै छै। तऽ वोट जखनी मांगै लए आबै छौ तखनी केहन बोलै? तखनी हम मत बोलिए दै छी, हम झगड़े करै लगै छी सबसे, हम दम मारै छी झगड़ा करै मे, हम जे देता नै छी वोट। अखनी बड़ा कष्टमय तरीका जिंदगी लेकिन की करबो, गुजरै छै सर जी, तऽ की करबो नै खेपै छै झरी पानी झोर। तब ओने उड़िया आ जाए छे, ओ फेकी देने ले मुँह, तब मुँह से उठा के फिर खोपरी यहाँ बने ली। अनर झपट में भारी तकलीफ के साथ यहाँ जी रहे हैं। हाँ, बड़ा दिक्कत की कर। सरकार के जैसे नीतीश कुमार जैसे दावा करे छे कि जाने छो कि बाढ़ पीड़ित का मदद हर हाल में मिली रहलो छे, हमरा ने कुछ नहीं देना। अभी तक गरीब के नहीं बांटले छे? नहीं। राशन उसन मिले छो? राशन मिले जी। जब राशन मिले छे तो सूखा भात के ना? सूखा भात तो 1 किलो दाली में 8 परिवार छे, तो वो इसकी होता है ती ती करे छे पुनी रंग रंग, पान तो यो 10 दिन लगा के पतला पतला पुनी रंग रंग करी करी दे छे बच्चा ने, की करबे तब आखिर में कमेते तब न खेबे, नहीं कमा छे तो माले जलम 3 गो माल छे, एगो बकरी छे, 8 परिवार छे। बकरियो को फैल देलो छो लेकिन? बकरियो की करबे तब, यो कौन चीज खिलेबे? बकरी भूखा रह सकता है, मर जाता ना। बकरी को भी भोजन चाहिए, बच्चे को भी भोजन चाहिए, बड़े को भी चाहिए। सरकार की दावे की जो जमीनी हकीकत है वो तो खैर आपके सामने ही है। और अनीता देवी की ये बात जो मानवता, आप देख सकते हैं कि इनके परिवार में 8 सदस्य के हैं,
और एक बकरी भी है। अनीता देवी अपने परिवार को सूखी चावल के साथ साथ बकरी का भी पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं, ये इनकी मानवता की मिसाल है। लेकिन हमारी सूबे की सरकार जो कि लाख दावे करती है गरीबों तक राशन मुहैया कराने की, बाढ़ पीड़ितों को मदद देने की, ये इसकी जमीनी हकीकत की पोल खोलती हुई ये पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के